ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। धनबाद कहीं ना कहीं हमेशा सुर्खियों में रहता है, कभी कोयला चोरी को लेकर सुर्खियों में रहता है, कभी जनप्रतिनिधियों के सड़क पर उतरने को लेकर सुर्खियों में रहता है, कभी कोयला चोरी के रूट को लेकर सुर्खियों में रहता है। ऐसा ही एक आज मामला हो गया है, एक बेलगाम हाईवा ने एक युवक को कुचल दिया। युवक को कुचलने के बाद उसकी मौत हो गई। हाईवा लेकर हाईवा का चालक भागने का भी प्रयास कर रहा था, आधा किलोमीटर तक भाग भी चुका था, उसके बाद उसको पकड़ा जा सका, लेकिन चालक फरार हो गया। प्रबंधन से लगातार स्थानीय लोग मांग करते रहे हैं कि दूसरी सड़क से कोयले की आवाजाही की जाए, कोयले का आना लाना ले जाना किया जाए, लेकिन शायद प्रबंधन कहीं ना कहीं गहरी नींद में है, नींद टूट नहीं रही। अब मौत भी शुरू हो गई है, न जाने किसकी मौत से कब प्रबंधन की नींद टूटेगी। देखिए क्या है पूरा मामला। झरिया में हुई सड़क हादसे में मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों का हंगामा, गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस और मीडिया कर्मियों के साथ भी बदसलूकी। धनबाद के झरिया में बेलगाम हाईवा ने मैट्रिक के छात्र को रौंद दिया, जिससे अर्णव कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना झरिया थाना क्षेत्र के सिंह नगर के पास की है। अर्णव अपनी बहन को स्कूल छोड़कर वापस लौट रहा था, इसी दौरान बेलगाम हाईवा की चपेट में आ गया। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर बवाल काटा, आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क जाम किया, साथ ही कई गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। यही नहीं, लोगों ने मौके पर पहुंची पुलिस और मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की। बाद में पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग को सोमवार को जीएम साहब से बैठक होगी, ये पथ के लिए कि हाईवा का डाइवर्सन कैसे किया जाए, और सोमवार को बैठक के बाद जो निर्णय होगा वो लागू किया जाए। हम लोग भी कोशिश करेंगे कि एक्सीडेंट पर कैसे विराम दिया जाए। तो ये ड्राइवर की गलती है, ना कि जनता की गलती है। अब मैं मांग करता हूँ इस पर मुआवजा भी मिलना चाहिए और ये रोड के सेफ्टी के लिए डायवर्सन होना चाहिए, जिससे जनता को कोई आगे दुर्घटना ना हो। छात्र को रौंदने के बाद ड्राइवर ने ट्रक लेकर भागने की कोशिश की, लेकिन आसपास के लोगों ने घटना स्थल के करीब आधे किलोमीटर दूर ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि ड्राइवर मौके से भागने में सफल रहा। लोगों ने मुआवजे के साथ कोयला लेकर जाने वाले हाईवा को दूसरे रास्ते से ले जाने की मांग भी की, जिस पर सोमवार को बस्ताकोला महाप्रबंधक के साथ वार्ता होगी। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। रुक करते हैं सीधे धनबाद से, हमारा सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, धनबाद हमेशा सुर्खियों में रहता है किसी ना किसी कारण से, आज फिर एक बेलगाम हाईवा ने एक युवक की जान ले ली है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए घटना उस समय घटती है कि जब वो अर्णव कुमार जो है अपने सिस्टर को छोड़ के स्कूल से आता है बाइक से, उसी समय अनियंत्रित जो है एक ट्रक ने उसे रौंदता है, और रौंदने के बाद रुकता नहीं है बल्कि वो भागता है। उसी बीच देखिए ग्रामीण दौड़ के उस ट्रक को पकड़ते हैं। स्थिति उस समय भयावह हो गई कि जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो मीडिया कर्मियों भी लोगों ने हमला बोल दिया, यहां तक कि पुलिस जब देर से पहुंची तो पुलिस को भी खदेड़ दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनका काफी गुस्सा था कि जिस तरह आए दिन लगातार जो है रिहायशी इलाकों से, भीड़ भाड़ इलाकों से जिस तरह ट्रक, कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर भीड़ भाड़ इलाके से क्यों ट्रक गुजर रहा है। आए दिन लगातार घटनाएं घटती है, इसी को लेकर साफ तौर पर उनकी पहले से ही मांग थी कि एक डाइवर्ट बनाया जाए कि ताकि इस इलाके से ट्रक ना गुजरे, बाकी हाईवा जितने भी हो दूसरे इलाके से गुजरे। तो लोगों की मांगे नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन जब जिस तरह आज घटना घटती है, करीब सैकड़ों वाहनों के साथ लोगों ने तोड़फोड़ किया, यहाँ तक कि आगजनी भी किया गया, तो इसके बाद किसी तरह देर से पहुंची पुलिस ने मामला को शांत कराने का प्रयास तो किया, कुछ जनप्रतिनिधियों को भी उसमें आना पड़ा। साफ तौर पर यह आश्वासन दिया गया कि ठीक है, सोमवार को जो है बीसीसीएल के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर कौन सा रूट जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि जितने सैकड़ों प्रतिदिन जो है सैकड़ों हजारों वाहन उस मार्ग से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को डर बना रहता है। दूसरा मामला एक ये है कि झरिया जो इलाका है, एक तो पोल्यूशन का शिकार है, दूसरी तरफ जो है आए दिन घटनाएं घट रही है। वाजिब है तो लोगों का जिस तरह गुस्सा था और लोगों ने जिस तरह कानून अपने हाथ में लिया, उसके बाद यह बताया जा रहा है
कि जो मृतक के परिजन है उन्होंने नामजद एफआईआर दर्ज थाने में करा दिया है ट्रक मालिक और चालक के ऊपर। अब यह देखना होगा कि आखिर पुलिस उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई करती है। अभिषेक, अशोक, अभी आपने बताया कि कई दिनों से स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं प्रबंधन से कि रूट डाइवर्ट किया जाए, दूसरे रूट से जो है कोयला लदा हाईवा लेकर जाए या गाड़ियां लेकर जाए, तो आखिर फिर रिहायशी इलाके से जहां पर कई लोग रहते हैं, कई मोहल्ले बसे हुए हैं, बच्चा रौंदा गया है, 10वां क्लास का बच्चा है, ये मैट्रिक की परीक्षा का मामला है, ऐसे में आखिर प्रबंधन की नींद क्यों नहीं टूट रही है बीसीसीएल की? बिल्कुल, देखिए सवाल यह खड़ा होता है कि जो भी बीसीसीएल के अधिकारी होते हैं, जब तक लोकल प्रशासन का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक रूट डाइवर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कुछ राज्य सरकार की सड़कें होती हैं, कुछ केंद्र सरकार की सड़कें होती हैं, इसके बजाते इनकी बैठकें की जाती हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों ने यह साफ कहा कि बीसीसीएल के अधिकारी हो या कर्मी हो, इनकी इसकी शिकायत हम लोगों ने की है, अब यही दोषी है कि ताकि जिला प्रशासन को ये जानकारी नहीं दिया है। तो इस बात को जो है पब्लिक पूरी तरह से नहीं समझ पा रही थी, जिसका शिकार जो है मीडिया कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को होना पड़ा। कहीं ना कहीं देखिए गंभीर मामला है, जिस तरह आज उपद्रव किया जा रहा था इलाके में, वो उपद्रव एक अपने आप में बड़ी उपद्रव था। कि देखिए साफ तौर पर लोगों का कहना कि आखिर पुलिस देर से क्यों पहुंची, कहीं ना कहीं पुलिस को भी डर था कि इसकी शिकायत बार बार किया जा रहा है, इस शिकायत का आश्वासन तो हम लोग देते हैं लेकिन समाधान नहीं करते हैं। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरह गुस्सा फूटा है आज लोगों के ऊपर, तो एक बड़ा मामला है अभिषेक। अब इसमें यह देखना होगा कि बीसीसीएल के कर्मी या जिला प्रशासन के जितने आला अधिकारी हैं, जो जिला परिवहन पदाधिकारी हो, तो इसमें कहीं ना कहीं एक रूट तय करना पड़ेगा, डाइवर्ट देना पड़ेगा कि उस वाहन उस रूट से कैसे यहां से वाहन निकले। अशोक, गाड़ी हाईवा जो थी उसमें कोयला लदा हुआ था या खाली हाईवा थी, अनलोड कर कोयला जा रहा था? देखिए ये एक खाली हाईवा था और इसमें किसी तरह का लोडेड नहीं था, अनलोड था यह, और यह बताया जा रहा है कि वो कोयला के लिए ही जा रहा था। लेकिन जब जब जिस तरह घटना घटती है, घटना घटने के बाद तमाम गाड़ियों को जो रोक दिया जाता है, और जो गैरेज में जो आसपास गाड़ियां खड़ी थी, जो कोयला खाना विश्वकर्मा इलाका एक है वहां पे भी गाड़ियां खड़ी, तो वहां पे भी लोगों ने जाकर तोड़फोड़ किया। तो मैं बता रहा हूं कि लोगों का यह देख गुस्सा इसलिए था कि जिस मार्ग से अगर हम वाहन को भेजेंगे तो वो पूरी तरह से मार्ग जर्जर हो चुका है, जब तक उस मार्ग की मरम्मत नहीं होता है तब तक जिला परिवहन पदाधिकारी हो या बीसीसीएल का आला अधिकारी हो उस मार्ग से हाईवा को या ट्रक को नहीं भेज सकते हैं। तो यानी कहीं ना कहीं देखिए आनन फानन में जिस तरह यह कहा गया है कि सोमवार को बैठक होगी, अब बैठक में निर्णय होगा कि आखिर देखिए एक जगह झरिया की नहीं बात है, ऐसे कई इलाके हैं जहां घटनाएं घटती रहती हैं। यानी अगर कोयला का संचालन आपको करना है, कोयला भेजना है, तो एक उसके लिए अलग रूट इनको निर्धारित करना पड़ेगा, ताकि उस रूट से सिर्फ हाईवा ही चलेंगे। और तो इसका मतलब है कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर ये हाईवा चल रहा है, ये जो गाड़ियां कोयला लोड कर जा रही है, तमाम नियमों को ताक पर रखकर चल रही है। देखिए इसे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अनियंत्रित वाहन था और स्वाभाविक है कि जो भी ओवरलोडेड जो भी कोयला से लदे रहते हैं ट्रक, तो स्वाभाविक तेजी से भागने का प्रयास करते हैं। अगर ओवरलोडेड रहेंगे, अगर नियंत्रण भी चलेंगे, तो उनका ब्रेक नहीं काम करता है, क्योंकि ओवरलोडेड के क्षमता जब ज्यादा हो जाएगा तो उनका ब्रेक स्वयं फेल कर जाता है। तो यही कारण था कि उस समय ब्रेक फेल हो गया था। लेकिन अब जांच का विषय है, RTO और DTO तमाम जितने अधिकारी उसको जांच करेंगे कि आखिर उसका ब्रेक फेल हुआ था या ड्राइवर जानबूझकर घटना का इस तरह का अंजाम दिया। तो इसमें कई पहलू है, उस पहलू पे जांच की जा रही है। अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इसमें दोषी कौन है। अगर देखिए और जिसकी मौत हुई है वो अपने बाप का इकलौता पुत्र था, तो स्वाभाविक है कि लोगों का गुस्सा जिस तरह फूटा है, तो अब गुस्सा कितना रंग लाता है, सोमवार को क्या बैठक में निर्णय होता है, क्या उन्हें आश्वासन मिलता है, अब यह देखने की बात होगी। चलिए अशोक, अपने पिता का इकलौता सुपुत्र था अर्नो, और कहीं ना कहीं अब लाख सुधार कर लिए जाए, रूट डाइवर्ट कर लिए जाए, अर्नव लौट कर नहीं आएगा, बचाना होगा ऐसे और अर्नवों को जो इस तरह के वाहनों की चपेट में आ जाते हैं। कोयला लदे वाहन चलाने वाले चालकों का नियमित लाइसेंस तक जांच नहीं की जाती, जो सूचनाएं हम लोगों को मिलती रहती हैं, रूट की बात तो छोड़िए, लाइसेंस तक जांच नहीं होती कि लाइसेंस कहाँ कहाँ है, कब से परमिट मिला है, गाड़ियों पर तो नंबर तक नहीं लिखे होते, जैसे तैसे गाड़ियां रहती हैं। आज भी आप बता रहे हैं कि इतने आक्रोश के बाद भी चालक भागने में कामयाब रहा, और पुलिस, मुझे उम्मीद नहीं है कि अभी तक पुलिस उसे ढूंढ पाएगी, तलाश पाई होगी या पकड़ पाई होगी। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद अशोक, पूरे मामले पर अपने नजर बनाए रखिएगा।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।